आप लोग एक्सरसाइज 10.3 क्लास 9 चैप्टर ट्रायंगल एमएल अग्रवाल, इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 9 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। इन द एडजॉइनिंग फिगर, काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए डी बी ई एंड सी एफ आर द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, फिगर बना हुआ है। If AD is equals to BE equals to CF, इसको ध्यान में रखिएगा, ये तीनों ही altitudes equal है। आपको proof करना है कि ABC जो है वो एक equilateral triangle है। Logical बात है, आपको यदि ये proof करना है कि ये पूरा triangle एक equilateral triangle है, इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि आप ये proof कर दें कि ये तीनों angles equal है। मतलब angle A equals to angle B एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। यदि आपने ये प्रूव कर दिया कि इसके सारे एंगल्स इक्वल है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। लेकिन वो प्रूव कैसे होगा, इसका स्टेप्स क्या है, इसको देखते हैं। आइए सबसे पहला देखिए क्या था, ये ए डी बी ई और सी एफ क्या है, ऑल्टीट्यूड्स है। ए डी ऑल्टीट्यूड है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री। बी ई ये भी ऑल्टीट्यूड है, तो यहाँ 90 डिग्री। सी एफ भी ऑल्टीट्यूड है, तो ये 90 डिग्री, ठीक है। ए डी इक्वल्स टू बी ई इक्वल्स टू सी एफ गिवेन है। अब मैं क्या करूँगा, हम लोगों को जैसे प्रूफ करना है एंगल बी एंगल सी का इक्वल है, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, यदि मैंने ये ट्राइंगल लिया बी एफ सी, ये ट्राइंगल, और बी ई सी, ध्यान से समझिएगा, बी एफ सी ट्राइंगल को यदि हमने बी ई सी ट्राइंगल से कॉन्ग्रेंट प्रूफ करा दिया, कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया, तो ये एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी हो जाएगा। क्यों क्यों होगा, पहले समझिए। इन ट्राइंगल बी एफ सी में, इन ट्राइंगल बी एफ सी में एक कंप्लीट बी का एंगल आ रहा है। अच्छा, इन ट्राइंगल बी ई सी में देखिए कंप्लीट सी का एंगल आ रहा है, और जब ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल का कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। आइए, तो इन ट्राइंगल एकदम बेसिक है, इन ट्राइंगल बी एफ सी, इन ट्राइंगल बी एफ सी एंड ट्राइंगल बी ई सी, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहला चीज क्या है, बी एफ ये ट्राइंगल है इस ट्राइंगल का, तो इसमें देखिए इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में ये बी सी जो है एक कॉमन साइड है। बी सी क्या है, कॉमन साइड है, तो बी सी इक्वल्स टू बी सी, ये कॉमन साइड हो गया। अच्छा देखिए, इसमें एक 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कौन सा एंगल है, एंगल बी एफ सी, तो एंगल बी एफ सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ई सी, एंगल बी ई सी, क्यों, क्योंकि ये राइट एंगल है, राइट एंगल है। अच्छा, तो दो कंडीशन मिल गया। किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए आपको तीन कंडीशन चाहिए होगा। इस ट्राइंगल में देखिए बी एफ सी में एफ सी एक साइड है, एफ सी एक साइड है जो ऑल्टीट्यूड था। दूसरे ट्राइंगल में बी ई सी में देखिए बी ई ऑल्टीट्यूड है, और ये दो ऑल्टीट्यूड इक्वल है। क्वेश्चन में ही गिवन था कि ये तीनों ही ऑल्टीट्यूड इक्वल है, मतलब ये क्या है, गिवन है, ये गिवन है। अब आप ध्यान से देखिए, आपको तीन कंडीशंस मिल गए, आपको तीन कंडीशन मिल गया, तो फिर आप क्या कहेंगे, ट्राइंगल बी एफ सी इज कॉन्ग्रेंट टू अनदर ट्राइंगल बी ई सी। अच्छा, मतलब क्या किया हम लोगों ने, इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल का कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। ये साइड कॉमन था, ये 90 था, और ये आपका गिवन था, ये साइड का इक्वल। तो हम लोग कहेंगे साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से
हम लोगों ने इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। जैसे ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हुआ तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी हो गया, क्यों, बाय सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। इसके रिलेट करके हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया। तो एक चीज़ तो मिल गया, एंगल बी एंगल सी के बराबर है, इसको भी इसका इक्वल प्रूफ करना है। अब क्या करेंगे, एकदम आसान है, सेकेंड स्टेप क्या करेंगे। अच्छा, सेकेंड स्टेप में देखिए, यदि हम लोगों ने ट्राइंगल लिया ए एफ सी, एकदम आसान है, समझिएगा, इन ट्राइंगल ए एफ सी, अच्छा, एंड ट्राइंगल ए डी सी, मैंने ये दो ट्राइंगल ही क्यों सिलेक्ट किया कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मैंने ये दो ट्राइंगल ही क्यों लिया, ए एफ सी कहाँ है, देखिए ए एफ सी, इस ट्राइंगल में पूरा एंगल ए आ रहा है, अच्छा, एंगल ए डी सी देखिए, एंगल ए एंगल डी एंगल सी, इसमें पूरा एंगल सी आ रहा है। मतलब यदि इन दो ट्राइंगल को हम लोगों ने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया तो हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर है। यदि आपने ये प्रूफ कर दिया कि एंगल ए एंगल सी के बराबर है, यहाँ पे आपको क्या मिला, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी है, इसका मतलब फिर क्या होगा, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, मतलब सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो फिर ये ट्राइंगल कैसा होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होगा। तो हमें इसे कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करेंगे, आइए, ए एफ सी, ए एफ सी, ठीक है, इस ट्राइंगल में देखिए जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए एफ सी, ए एफ सी इज इक्वल्स टू एंगल, ये भी 90 एंगल है, ए डी सी, एंगल ए डी सी, ये दोनों एंगल इक्वल है, क्यों, राइट एंगल है, राइट एंगल है, एकदम आसान है, एकदम आसान। फिर ध्यान दीजिए, ए सी जो है ये इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, ए सी कॉमन है, ध्यान दीजिए, ए एफ सी में ए सी एक साइड है, अच्छा, ए डी सी में भी देखिए ए सी एक साइड है, मतलब क्या है, ए सी इज इक्वल्स टू ए सी, कॉमन साइड है, कॉमन साइड है, अच्छा, चलिए, तो ये मिल गया। तो ये क्या मिला आपको, दो कंडीशंस मिल गए, तीसरा एक और कंडीशन चाहिए। फिर से ध्यान से आप रिलेट करिए, ए एफ सी, इसमें देखिए एफ सी एक साइड है, एफ सी एक साइड है, अच्छा, ए डी सी में ए डी एक साइड है, और ये दोनों क्या है, ये दोनों ऑल्टीट्यूड था, ये दोनों क्या था, ऑल्टीट्यूड, और क्वेश्चन में गिवन है इसके तीनों ऑल्टीट्यूड्स इक्वल है, तो आप बोलेंगे ये इसका इक्वल है। कैसे पता चला आपको, ये गिवन था क्वेश्चन में, गिवन था, एफ सी मतलब सी एफ, ए डी ए डी गिवन था। देखिए तीन कंडीशन मिल गया आपको, तो ट्राइंगल ए एफ सी इज कॉन्ग्रेंट टू अनदर ट्राइंगल ए डी सी। जब आपने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया, इससे क्या प्रूफ कर दिया आपने, कि एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर है, एंगल ए एंगल सी के बराबर है, कैसे, बाय सी पी सी टी, ठीक है। अब आप लॉजिकली सोचिए, एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है, एंगल ए एंगल सी के बराबर है, इसका मतलब ये तीनों ही एक दूसरे के बराबर है, तो देयरफोर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। और जब तीनों ही एंगल बराबर हो किसी भी ट्राइंगल में, तो वो ट्राइंगल कैसा होता है, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, सो देयरफोर ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, बस खत्म। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखिए। अच्छा एक बात और, क्वेश्चन नंबर 11 में जो है वो डायग्राम बना हुआ नहीं है, ये डायग्राम आपको बनाना होगा। क्या है क्वेश्चन, देखिए इन ए ट्राइंगल ए बी सी, तो ये ट्राइंगल है आपका ए बी सी, ठीक है,
ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। ए डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी, ठीक है। सच दैट बी डी इज इक्वल्स टू सी ई, बी डी इज इक्वल्स टू सी ई, ठीक है। शो दैट ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ई सी बी, इसे हम लोगों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। आइए स्टार्ट करते हैं, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। तो इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डी बी सी, अच्छा, एंड ट्राइंगल ई सी बी, इन दोनों ट्राइंगल में देखते हैं डी बी सी कहाँ है। देखिए डी बी सी, इसका ये एंगल जो है एंगल बी, एंगल बी इक्वल्स टू क्या होगा, ई सी बी, देखिए कहाँ है ई सी बी, मतलब ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल का इक्वल है, इज इक्वल्स टू एंगल सी है। क्यों, क्यों इक्वल है, क्योंकि देखिए ए बी जो था, ए बी इक्वल्स टू ए सी था, ए बी इक्वल्स टू ए सी है। जब ये दो साइड इक्वल है तो इसके बेस एंगल्स तो इक्वल होंगे, इसके बेस एंगल्स इक्वल होंगे, एक कंडीशन आपको मिल गया। दूसरा देखिए बी डी, इस ट्राइंगल में देखिए डी बी सी में, डी बी सी में ये बी डी एक साइड है, अच्छा ये साइड किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ई सी के इक्वल है, ई सी, क्यों, क्योंकि ई सी बी में देखिए, ई सी बी में ई सी एक साइड है। ये कहाँ से मिला, ये गिवन था आपका, ये गिवन था, अच्छा। अब देखिए ये जो साइड बी सी है ये कॉमन है, ये कॉमन है। इन ट्राइंगल डी बी सी में देखिए, डी बी सी में बी सी एक साइड है, इन ट्राइंगल ई सी बी में देखिए बी सी एक साइड है, मतलब क्या है, बी सी इज इक्वल्स टू बी सी, मतलब ये क्या है, कॉमन साइड है, ये आपका कॉमन साइड हो गया। इससे देखिए आपको तीन कंडीशंस मिल गया, इस ट्राइंगल का तीन कंडीशन आपको मिल गया, क्या मिला, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो आप क्या कहेंगे, ट्राइंगल डी बी सी जो है ये कॉन्ग्रेंट है किस ट्राइंगल का, ई सी बी, कैसे, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो इससे आपने ये पार्ट प्रूव कर दिया। सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करना था आपको, एंगल डी सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ई बी सी, अच्छा तो ये एंगल है कहाँ, पहले चलिए इसे देखते हैं, एंगल डी सी बी कहाँ है, देखिए एंगल डी सी बी, ये एंगल, अच्छा ये एंगल किसके इक्वल प्रूव करना है आपको, ई बी सी, ई बी सी कहाँ है, देखिए ई बी सी। तो ये दोनों एंगल तो इक्वल ऐसे ही प्रूव हो गया, जैसे ही आपने इस दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया, ये एंगल अपने आप ही इक्वल हो गया, इक्वल हो गया बाय सी पी सी टी। कैसे हुआ, कैसे हुआ, इसको समझिए। ये एंगल डी सी बी जो है, ये एंगल डी सी बी, एकदम कॉन्सेप्ट सिंपल है, डी सी बी ये एंगल जो था किस ट्राइंगल में था, देखिए एंगल डी बी सी में था, ट्राइंगल डी बी सी में ये एंगल था, अच्छा ई बी सी, ई बी सी ये एंगल जो है इस ट्राइंगल में था, ई सी बी में देखिए, ई सी बी इस ट्राइंगल में ये एंगल था। और जब इन दोनों ट्राइंगल को आपने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स अपने आप ही इक्वल हो गए, इससे ये आपका प्रूव हो गया। थर्ड पार्ट देखिए क्या है, आपको क्या प्रूव करना है, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। अब आपको प्रूव करना है ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, अच्छा इसका, इसको इक्वल प्रूव करने के लिए आपको इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना पड़ेगा, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना पड़ेगा। तो कैसे प्रूव करेंगे, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। इन ट्राइंगल बी डी ओ, इन ट्राइंगल बी डी ओ एंड ट्राइंगल सी ओ ई, सी ओ ई, इन दो ट्राइंगल को हम लोगों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है।
अच्छा ये साइड का इक्वल है, बी डी इज इक्वल्स टू सी ई, ये इक्वल है, ये गिवन था, ये गिवन था। अच्छा ये एंगल का इक्वल है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये एंगल का इक्वल है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। लिखेंगे कैसे, एंगल बी ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ ई, अच्छा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दो कंडीशंस आपको मिल गए। आगे देखिए, ये एंगल का इक्वल है, कैसे, अभी पहले आपने क्या किया था, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, उसमें ये एंगल और ये एंगल था, जब वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो उसके दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो लिखेंगे कैसे हम लोग, एंगल बी डी ओ इज इक्वल्स टू एंगल सी ई ओ, सी ई ओ कैसे, बाय सी पी सी टी। अच्छा देखिए यहाँ पे तीन कंडीशंस आपको मिल गए। तो आपने जो यहाँ पे तीन कंडीशंस जो देखा वो क्या था, एंगल साइड एंगल एंगल, एक साइड लिया आपने और दो एंगल, तो ट्रायंगल बी डी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू अनदर ट्रायंगल सी ओ ई, किस कंडीशन से हुआ, देखिए एक साइड और दो एंगल, तो एंगल एंगल साइड, इस प्रॉपर्टी से आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे, तो ओ बी इज इक्वल्स टू क्या है, ओ सी बाय सी पी सी टी, बस खत्म। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। और एक बात का ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में फिगर बना हुआ नहीं है, आपको फिगर खुद बनाना होगा। सबसे पहले ए बी सी एक ट्राइंगल हम लोग बना लेंगे, ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है। आगे पी इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल के इंटीरियर में एक पॉइंट है पी, ठीक है, सच दैट एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी मतलब क्या है, बी को पी से ज्वाइन करना होगा, ए को पी से ज्वाइन करना होगा और पी को सी से ज्वाइन कर दीजिए। फिर क्वेश्चन में गिवन क्या है, एंगल ए बी पी मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है ए सी पी। आपको प्रूफ क्या करना है, बी पी इक्वल्स टू सी पी, ये साइड का इक्वल है, इसे आपको प्रूफ करना है। इसे प्रूव करने के लिए आपको इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, बस क्वेश्चन में यही करना है आपको, सिंपली इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ये भी कितना आसान है, देखिए ये साइड का इक्वल है, ये एंगल का इक्वल है और ये ए पी कॉमन साइड है, बस हो गया। आइए करते, इन ट्रायंगल ए बी पी, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए पी सी, इन दोनों ट्राइंगल में पहला कंडीशन क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, क्यों, क्योंकि ए बी सी क्या था, एक आइसोसेलस ट्राइंगल और इसमें ए बी इक्वल्स टू ए सी आपका गिवन है, ये इक्वल है, ये गिवन है। अच्छा इसके बाद एंगल ए बी पी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी पी, ये एंगल भी क्या है आपका गिवन है, यह एंगल भी गिवन है। इसके बाद ए पी इज इक्वल्स टू ए पी, इन दोनों ट्राइंगल में ये साइड कॉमन है आपका, ये साइड कॉमन है, इस तरह से आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू अनदर ट्राइंगल ए पी सी। कंडीशन क्या है, साइड एंगल साइड, किस क्राइटेरिया से हुआ, साइड एंगल साइड, जैसे ही आपने इस ट्राइंगल को उस ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो ये जो बी पी था, बी पी इक्वल्स टू सी पी, ये अपने आप ही इक्वल हो गया, कैसे, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, पहला पार्ट हो गया।
दूसरे पार्ट में आपको प्रूफ करना है कि ए बी जो है बाइसेक्ट एंगल बी ए सी। ए पी देखिए, ये ए पी जो लाइन है ये एंगल बी ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है, बी ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है। अभी आपने ये प्रूफ किया कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो इसके ये दो एंगल्स भी तो इक्वल ही होंगे, ये दो एंगल्स इक्वल होंगे। मतलब क्या मैं बोलना चाहता हूँ कि बी ए पी इक्वल्स टू ये एंगल क्या है, पी ए सी। पी ए सी कैसे, बाई सी पी सी टी, ये दो एंगल्स इक्वल है। जब ये दो एंगल इक्वल है तो ए पी तो बाइसेक्टर ही हुआ, तो फिर ए पी क्या हुआ, बाइसेक्टर ही हुआ। यदि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है इसका मतलब ही है देयरफॉर ए पी बाइसेक्ट्स एंगल बी ए सी। प्रूव्ड हो गया, बस इतना ही आपको इस क्वेश्चन में करना था। चलिए जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर डी एन ई, ये फिगर गिवन है आपके पास। इन एडजॉइनिंग फिगर डी एन ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, सच दैट बी डी इक्वल्स टू ई सी, बी डी इज इक्वल्स टू ई सी है, ठीक है, ए डी इज इक्वल्स टू ए ई है। शो दैट ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट टू दिस ट्राइंगल। आपको प्रूव करना है ये ट्राइंगल का कॉन्ग्रेंट है। एकदम इजीली हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। आइए चलिए करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी ई, इन दोनों ट्राइंगल में देखिए बी डी इक्वल्स टू ई सी गिवेन है आपका, बी डी इज इक्वल्स टू ई सी ये गिवेन है। अच्छा, तो एक क्राइटेरिया मिल गया। आगे देखिए ए डी, ए डी इज इक्वल्स टू ए ई, ए डी इज इक्वल्स टू ए ई ये भी गिवेन है, ये भी गिवेन है आपका। तो दो साइड मिल गया। अब एक बात बताइए, जब ये साइड का इक्वल है तो ये ट्राइंगल ए डी ई जो है वो क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसके ये जो बेस एंगल्स है वो इक्वल एंगल है, ये बेस एंगल्स इक्वल एंगल होंगे। मतलब ए डी ये साइड का इक्वल है, इक्वल्स टू ए ई है, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो ये एंगल जो है एंगल ए डी ई है ना, ए डी ई किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी ये दोनों इक्वल है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब यदि मैं इस एंगल को डिफाइन करना चाहता हूँ, इस एंगल को, तो इस एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल बी डी ए। अच्छा, एंगल बी डी ए इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। तो 180 से इस एंगल को जब हम लोग माइनस कर देंगे तो ये एंगल मिलेगा, तो 180 माइनस इस एंगल को ए डी ई माइनस एंगल ए डी ई क्या होना चाहिए, एंगल बी डी ए होना चाहिए। एकदम सिंपल सा लॉजिक है, इन दोनों को प्लस करने पे 180 है, तो इसका मेजरमेंट क्या होगा, 180 माइनस दिस एंगल, ये लिखा मैंने, एकदम सिंपल है, अभी समझ जाइएगा। इस एंगल में भी वही चीज, मतलब ए ई सी, एंगल ए ई सी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 180 माइनस एंगल ए ई डी, ये पूरा 180 है। तो 180 में से इस एंगल को माइनस करने से ये एंगल मिल जाएगा, तो ए ई सी एंगल ए ई सी, एकदम सिंपल। अभी हम लोगों ने लिखा कि ए डी ई जो है वो ए ई डी के बराबर है, ए ई डी के बराबर है, ये दोनों ही एंगल ए ई सी क्यों हो गया, वो एंगल ए ई सी नहीं, एंगल ए ई सी, ठीक है, ये तो आपको फाइंड करना है। 180 माइनस ए ई डी, ए ई डी ये डी है,
मतलब 180 से इसको माइनस करने से ये मिलेगा। अच्छा, इसी चीज को देखिए, एंगल ए ई सी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 180 माइनस ए ई डी, ए डी ई के बराबर है, तो मैं क्या करता हूँ ए डी के जगह पे ए डी ई लिख देता हूँ, ई लिख देता हूँ। ये देखिए, ये पहला था, ये दूसरा है। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, एंगल बी डी ए क्या है, 180 माइनस एंगल ए डी ई, ए ई सी क्या है, 180 माइनस ए डी ई, तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं है? ये दोनों इक्वल है, जब ये दोनों इक्वल है तो ये एंगल इक्वल हो गया, एंगल बी डी ए इक्वल्स टू एंगल ए ई सी, मतलब ये एंगल का इक्वल हो गया। इससे क्या हुआ, आपको तीन कंडीशंस मिल गए, साइड एंगल साइड, तो आप कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू अनदर ट्राइंगल ए सी ई। कंडीशन क्या है, साइड एंगल साइड। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में करना क्या था, आपको कॉन्ग्रेंट ही तो प्रूव करना था, ए बी डी कॉन्ग्रेंट टू ए सी ई, देखिए कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन देखिए, इन द फिगर गिवन बिलो सी डी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा, सी डी ई इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब इसके तीनों साइड्स इक्वल है और ईच एंगल इक्वल्स टू 360 है, 60 है मतलब ये 60 है, अच्छा ये भी 60 है और ये इक्वल है, ये तीनों इक्वल साइड्स है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म्ड ऑन ए साइड ऑफ सी डी ऑफ ए स्क्वायर, ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है, मतलब इसके भी ये सारों साइड्स इक्वल है, तो ये साइड्स और इसके ये साइड्स सभी एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी सी ई प्रूफ करना है, एकदम सिंपल है। देखिए, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल बी सी ई, बी सी ई, इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहला देखिए, ये ट्राइंगल कौन सा है, ए डी ई, ए और ये स्क्वायर है, स्क्वायर के ईच एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, तो ट्राइंगल ए डी ई में ए डी एक साइड है जो इक्वल है किसके, बी सी का। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये स्क्वायर का साइड है, ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। अच्छा, आगे देखिए, ये एंगल एंगल ए डी ई, एंगल ए डी ई जो है वो इक्वल्स टू कितना है, एंगल ए डी इक्वल्स टू हो गया आपका 90 प्लस 60 इक्वल्स टू 150। अच्छा, दूसरी तरफ देखिए, एंगल बी सी ई, एंगल बी सी ई इक्वल्स टू क्या है, 90 प्लस 60, तो ये भी कितना आया, 150। तो इस तरह से क्या हुआ, एंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ई, तो एक एंगल इक्वल मिल गया। अच्छा, डी ई एक साइड है, देखिए डी ई इक्वल्स टू ई सी, ये इसके इक्वल है, क्यों, क्योंकि सी डी ई क्या था, सी डी ई जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सी डी ई इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। देखिए, आपको तीन कंडीशन मिल गया, तो फिर आप क्या कहेंगे, ट्राइंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रेंट टू अनदर ट्राइंगल बी सी ई, किस कंडीशन से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। इससे आपने पहला पार्ट तो सॉल्व कर लिया, सेकेंड पार्ट में क्या करना था आपको, हेंस ए ई बी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आपको प्रूफ करना है ए ई बी जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। प्रूफ करना नहीं है, वो भी प्रूव हो गया, आपने इसको और इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया, जब ये ट्राइंगल का कॉन्ग्रेंट है तो ए ई इक्वल्स टू ए ई बी हो गया, ए ई इक्वल्स टू ई बी, ये प्रूव्ड हो गया। क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल का कॉन्ग्रेंट साइड है, बाई सी पी सी टी,
बाई सी पी सी टी। अब एक बात बताइए, इस ट्राइंगल का ये साइड का इक्वल हो तो फिर ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल कहलाएगा? ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल ही तो कहलाएगा। तो ट्राइंगल ए ई बी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, बस खत्म। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए जल्दी से। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 का 2 क्या है? देखिए, इन द फिगर गिवन बिलो ओ इज अ पॉइंट, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, ओ इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है? एक स्क्वायर है। सच दैट ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, मतलब इस बात को ध्यान रखिएगा, जब ये स्क्वायर है तो इसके चारों साइड्स इक्वल है। स्क्वायर के ईच एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, और ए बी सी इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसके ये तीनों साइड्स भी इक्वल होंगे। इसके ईच एंगल 60 डिग्री होगा, इसको ध्यान रखिएगा। ये पूरा 90 था, ये 60 है, तो ये एंगल कितना हुआ? 30 हुआ। उसी तरह से ये पूरा एंगल 90 है, उसमें से ये 60 है, तो ये एंगल कितना होगा? 30 होगा। ठीक है, आपको एक्चुअली करना क्या है? आपको प्रूफ करना है ओ सी डी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको प्रूफ करना है ओ सी डी, देखिए ओ सी डी ये वाला जो ट्राइंगल है, इसको आपको प्रूफ करना है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल को आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है? इसके लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि डी ओ ओ सी के बराबर है। यदि आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये साइड के बराबर है, तो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस हो जाएगा। अब ये कैसे प्रूव होगा? उसके लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा ये ट्राइंगल जो है, इस ट्राइंगल का कॉन्ग्रेंट है। यदि आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये और ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स है, तो इसके एडजेसेंट, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। बस आपका काम हो जाएगा। और इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना भी काफ़ी आसान है। कैसे? ए डी बी सी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी स्क्वायर है। ये साइड का इक्वल है क्योंकि ए बी सी डी स्क्वायर है। स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। चलिए, एक चीज मिल गया। दूसरा देखिए, ये एंगल डी ए ओ कितना है? 30 है। एंगल सी बी ओ कितना है? 30 है। मतलब ये एंगल के बराबर है। दूसरा क्राइटेरिया मैच हो गया। तीसरा देखिए, ए ओ ओ बी के बराबर है। क्यों? क्योंकि ए ओ बी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। बस इतना ही करना है। आइए लिखते इन ट्राइंगल ए ओ डी, इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने जा रहे हैं। सबसे पहला ए डी इक्वल्स टू क्या है? बी सी। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। अच्छा, ये एक हो गया। फिर देखिए, एंगल डी ए ओ, एंगल डी ए ओ इक्वल्स टू कितना है? 30 डिग्री। कैसे निकाला हम लोगों ने? 90 माइनस 60 करके ये 30 आया था। अच्छा, दूसरा एंगल जो था एंगल सी बी ओ, वो कितना था? 90 माइनस 60 इक्वल्स टू 30। ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो डी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ओ। तो ये एक एंगल मिल गया आपको। अच्छा, उसके बाद देखिए, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी है। क्यों? क्योंकि ओ ए बी जो है वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ओ बी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, और इक्विलैटरल ट्राइंगल के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। इस तरह से ये तीन कंडीशंस आपको मिल गया। तो आप क्या कहेंगे? ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रेंट टू अनदर ट्राइंगल बी ओ सी। कैसे? साइड एंगल साइड इस क्राइटेरिया से आपने इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। अब जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए, तो ओ डी जो है इक्वल्स टू हो गया ओ सी का। ओ डी मतलब ये साइड का इक्वल हो गया।
क्यू बाई सी पी सी टी बाई सी पी सी टी। जब ये दो साइड्स इक्वल हो गए, ओ डी जब ओ सी के इक्वल है तो ट्राइंगल ओ सी डी जो है वो फिर क्या कहलाएगा, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, प्रूव्ड। बस हो गया, चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है क्वेश्चन, इसको समझिएगा। इन दैट जॉइनिंग फिगर ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी सी आपका एक राइट एंगल है विथ, इज ए राइट एंगल ट्राइंगल विथ ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ये 90 डिग्री है, मीट्स बी सी, मीट्स बी सी एट डी, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट बी सी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए डी। इस पार्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। पहला काम क्या करना है आपको, इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल का कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। सबसे पहला काम इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे हम लोग। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए सबसे पहला बात आप एक ध्यान दीजिए, जब ये साइड का इक्वल है तो इसका ये दो बेस एंगल्स इक्वल होगा, ये साइड का इक्वल है तो ये दो बेस एंगल्स इक्वल होंगे, अच्छा। इंट्रा एंगल ए डी सी या ए सी डी, इंट्रा एंगल ए सी डी एंड ट्रा एंगल ए बी डी, एंड ट्रा एंगल ए बी डी, इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। सबसे पहला इसमें देखिए ए सी इज इक्वल्स टू ए बी गिवेन है, ये साइड का इक्वल है ये गिवेन है, अच्छा। उसके बाद देखिए ए डी जो है वो कॉमन है, ए डी इज इक्वल्स टू ए डी, ये कॉमन साइड मिल गया आपको, चलिए ये दो हो गया। तीसरा एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी है, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल बी है, ये एंगल का इक्वल है, ये एंगल देखिए इस ट्राइंगल में है, ये एंगल इस ट्राइंगल में है, और ये दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि ए बी ए सी इज इक्वल्स टू ए बी था, ए सी इज इक्वल्स टू ए बी था। देखिए आपको तीन कंडीशंस मिल गए, तो ट्राइंगल ए सी डी इज कॉन्ग्रेंट टू अनदर ट्राइंगल ए बी डी, कंडीशन क्या है, साइड एंगल साइड, क्राइटेरिया क्या था, साइड एंगल साइड। इस क्राइटेरिया से आपने ये प्रूव कर दिया कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल का कॉन्ग्रेंट है, अच्छा जब ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल का कॉन्ग्रेंट है तो ये साइड का इक्वल होना चाहिए, मतलब बी डी इज इक्वल्स टू सी डी, क्यू बाई सी पी सी टी बाई सी पी सी टी, अच्छा ये हो गया। आगे देखिए एक बात बताइए, ये 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, ये एंगल और ये एंगल इक्वल एंगल था, तो जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल एंगल था तो ये एंगल का मेज़र कितना होना चाहिए था, 45, ये कितना होना चाहिए था 45 और ये 90 था, तब तो सम ऑफ द एंगल 180 होगा, मतलब ये एंगल कितना है 45 है, अच्छा ये पूरा एंगल 90 है, जब इसको ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये एंगल कितना है 45 है, ये एंगल भी 45 है। अब एक बात बताइए, जब ये 45 है ये 45 है तो क्या ए डी बी डी के बराबर नहीं होगा, ए डी बी डी के बराबर है तो ए डी इज इक्वल्स टू बी डी, क्यों, क्योंकि ये दो बेस एंगल्स इक्वल है, कौन से एंगल्स, डी ए बी इज इक्वल्स टू डी बी ए। ऐसा मैंने क्यों किया, अब बहुत ही इजीली सम्स आपका हो गया, ए डी इक्वल्स टू बी डी आपने निकाल लिया, आपको क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना था, आपको बी सी इक्वल्स टू टू ए डी लाना था। अब बताइए मुझे बी सी इक्वल्स टू क्या है, बी सी क्या है, यहाँ से यहाँ तक, तो बी सी इक्वल्स टू क्या है, बी डी प्लस सी डी,
बी डी प्लस सी डी, यही तो है। अच्छा बी डी प्लस सी डी। आगे देखिए ए डी इज इक्वल्स टू क्या है, बी डी। ए डी इज इक्वल्स टू बी डी है, तो यहां देखिए बी डी है, तो बी सी इज इक्वल्स टू इस बी सी को, इस बी सी को सॉरी बी डी को मैं ए डी लिख सकता हूं, मैं इसको ए डी लिख सकता हूं। अच्छा ए डी। आगे देखिए ये क्या था, सी डी था, सी डी इक्वल्स टू क्या था, बी डी था, सी डी इक्वल्स टू क्या था, बी डी था, तो आप इसको भी बी डी लिख सकते हैं। अच्छा अभी देखिए बी डी को आपने किसके साथ सब्सटीट्यूट किया, ए डी के साथ। अच्छा एक काम करते हैं, पहले इसको चेंज करिए नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस बी डी को वैसे ही रहने दीजिए। आपने क्या किया, सी डी को सब्सटीट्यूट किया, सी डी को किसके साथ सब्सटीट्यूट किया, बी डी के साथ। अब देखिए बी डी प्लस बी डी हो गया इक्वल्स टू ट्वाइस बी डी हो गया, ठीक है। आगे आप बी डी को सब्सटीट्यूट करिए, बी डी का सब्सटीट्यूशन क्या है, ए डी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए डी। क्या प्रूफ करना था आपको, बी सी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए डी, बस ये प्रूव्ड हो गया। कहाँ हैं आप, इस तरह से ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।